कुमारी आप है हमारे साथ जीटीए न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की मुख्य खबरों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत मौभंडार गुरुद्वारा में आज गुरुद्वारा कमेटी द्वारा छबील का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों के बीच चने एवं ठंडे शरबत का वितरण किया गया। जमशेदपुर में मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के खिलाफ आज फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को एक ज्ञापन देकर जांच की मांग की गई। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय पदाधिकारी मोहन कर्मकार ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ उपायुक्त से पिछले सप्ताह शिकायत की गई थी, परंतु इस मामले में कार्रवाई न होते देख पुनः एक ज्ञापन सौंपा गया। जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका प्रदीप अग्रवाल, उसके अंदर में आज मजदूर काम करते हुए आ रहे हैं, उन लोग को जो सरकार के तरफ से मिनिमम वेजेस जो तय किया गया है वो मिनिमम वेजेस भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और ये हमको लगता है कि साल डेढ़ साल पीछे से इसी तरह का जो उनको तय किया गया है मजदूर को जो वेतन देना है उसका आपको लगता है 100 रुपया करके कम वो साल भर से इधर से वो देते हुए आ रहे हैं। इसको लेकर के विगत दिन हमारे जिला अध्यक्ष और पार्षद बागराई माडी और तमाम मजदूर लेकर के डीसी साहब से बातचीत किए थे और डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि इसको हम जांच करा करके और जो भी यहाँ कमी है उसको हम दूर करेंगे और जो इस तरह का कार्य ये कर रहा है उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अभी एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो दोबारा हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए हम लोग आए थे और डीसी साहब को पूरा हम लोग इस बात को रिपीट किए, तो डीसी साहब ने अभी कहा कि हम कल ही डीएमसी को हम बुला करके और इसका जांच का एक हम। जमशेदपुर यूथ क्लब टाइगर क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आज जमशेदपुर उपायुक्त से मिलकर शहर में बढ़ते नशे की प्रचलन को रोकने की मांग की। कहा कि युवा पीढ़ी नशे का शिकार होकर अपने भविष्य को बर्बाद करने में तुली है। टाइगर क्लब मिलके पूरे जमशेदपुर में अभियान को चलाएगा। जमशेदपुर के सारे युवा हैं, टाइगर्स क्लब और जमशेदपुर यूथ क्लब, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे जमशेदपुर में नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें जितने भी दुकानदार हैं, बहुत से ऐसे दुकान हैं जो खुलेआम नशा का व्यापार कर रहे हैं, जिसमें कोरेक्स, एंटेन, टैबलेट, जो पागलपन की दवा है, उसके बाद डाइल्यूटर, डेंड्राइट, ऐसे बहुत सारे नशे हैं जो युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और
इससे आने वाला भविष्य अंधकार में जा सकता है, इसी के विषय में हम लोग एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। टाइगर्स क्लब इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ है। टाइगर्स क्लब और जमशेदपुर यूथ क्लब मिलकर इस पूरे आंदोलन को जमशेदपुर में चलाने का काम करेंगे। किस तरह का आंदोलन चलाएंगे हम? आंदोलन चलाएंगे मतलब जहाँ भी दुकान है, जहाँ से हम लोग चिन्हित कर सकते हैं, और चिन्हित करके पुलिस को उसकी जानकारी देंगे। वीडियो गुप्त रूप से वीडियो बनाएंगे, वीडियो पुलिस को देने का काम करेंगे, और भी बहुत सारा रैली निकालेंगे, ठीक है, जगह जगह लोगों को जागरूक करेंगे कि ये नशा नहीं करने के लिए, और लोगों को प्रेरित करना है कि कहीं भी ये काम होता रहे तो आप लोग उसकी जानकारी हम लोग को दें। अगर वीडियो आप लोग बनाएंगे जाकर कुछ ऐसा हंगामा होगा, क्या प्रशासन से भी कुछ मदद लेंगे आप? प्रशासन से मदद लेंगे, प्रशासन को एसएसपी साहब से उसी विषय में मिलने के लिए आए हैं हम लोग। वीडियो डायरेक्ट पुलिस अधिकारियों को या एसएसपी को देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मिले होते हैं जो अपराधी छवि के होते हैं, जो